नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं चित्रा मुदगल जी की लिखी कहानी रिश्ता। लगभग 22 दिनों तक कोमा में रहने के बाद जब उसे होश आया था तो जिस जीवनदायिनी को उसने अपने करीब बहुत निकट पाया था वे थी मार्था मम्मी। अस्पताल के अन्य मरीजों के लिए सिस्टर मार्था। वह पुणे जा रहा था। खंडाला घाट की चढ़ाई पर अचानक वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जख्मी अवस्था में 9 घंटे तक पड़े रहने के बाद एक यात्री ने अपनी गाड़ी से उसे सुसान अस्पताल में दाखिल करवाया। पूरे 4 महीने बाद वह अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। चलते समय वह मार्था मम्मी से लिपट कर बच्चे की तरह रोया। उन्होंने उसके माथे पर ममत्व के सैकड़ों चुम्बन टांग दिए। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, डॉक्टर कोठारी से उसने कहा भी था, डॉक्टर साहब आज अगर मैं इस अस्पताल में से जिंदा लौट रहा हूँ तो आपकी दवाइयों और इंजेक्शनों के बल पर नहीं, मार्था मम्मी के प्यार के बल पर। उस रोज़ वे उसे गेट तक छोड़ने आई थी और जब तक उसकी गाड़ी अस्पताल के गेट के बाहर नहीं हो गई वे अपलक खड़ी विदाई में हाथ हिलाती रही थी। वही मार्था मम्मी आज जब अरसे बाद वह उनसे वार्ड में मिलने पहुंचा तो उन्हें देखकर खुशी से पगला उठा। वे एक मरीज़ के पलंग से सटी उसकी कलाई थामे धड़कनों का अंदाज़ा लगा रही थी। उन्होंने मरीज़ की कलाई हौले से बिस्तर पर टिकाई कि उसने उन्हें अचानक पीछे से बाजुओं में उठा लिया। अरे अरे क्या करता है तुम इडियट, छोड़ो मेरे को, यह अस्पताल है ना। वह सकपका उठा। उन्हें फर्श पर खड़ा करते हुए उसने अचरज से मार्था मम्मी को देखा। मैं आपका बेटा अशोक। मम्मी पहचाना नहीं आपने मुझे? पहचाना पहचाना, पर अभी मेरे को टाइम नहीं, ड्यूटी पर ऐसा नहीं आने का मिलने को। अभी जाओ तुम, देखता नहीं पेशेंट कितनी तकलीफ़ में है। उन्होंने उसे तिक्त स्वर में झिड़का। वह उनके अनपेक्षित व्यवहार से स्तंभ उठा, तिल मिलाया खिसियाया सा फौरन मुड़ने लगा कि तभी उसी मरीज़ को प्राणवेला करा सुनकर शनाक्ष को ठिठक गया। मरीज़ के पपड़ियाए होठ पीड़ा से बिलबिलाते बुदबुदा रहे थे। माँ ओ माँ, हाँ आ माई चाइल्ड, आई एम विद यू, हैव पेशेंस हैव पेशेंस। उसकी मार्था मम्मी अत्यंत स्नेहिल स्वर में उस मरीज़ का सीना सहला रही थी। वह मुड़ा और तेज़ी से वार्ड के बाहर हो गया। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।